अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मिलता है यहाँ पे और हम खुद exactly. इतने टाइम से नहीं गए हुए थे एंड वी लाइक यार हमें कपड़े चाहिए, तो दैट्स हाउ लाउ बल्लाहु 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 बल्लाहु। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में होंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके यहाँ ईद हो चुकी होगी, तो आप सबको ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। हम लोग, मेरे और मलिहा दोनों की तरफ से ईद की मुबारकबाद। हम लोग जा रहे हैं ईदगाह। ईदगाह जो है वो मेरे घर से काफ़ी करीब है। ये हमारा जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हमारा घर है और वो सामने जो बिल्डिंग है वहाँ ईदगाह है। ईदगाह का क्या सीन है कि जो MIA है वो हर बरस एक कन्वेंशन सेंटर, एक हॉल बुक करती है जहाँ करीब 10,000 लोग आते हैं ऑलमोस्ट नमाज पढ़ने। तो हम दोनों वहीं नमाज पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं, दिखाते हैं क्या है ईद का सीन। और May 2 है और स्नोफॉल हो रही है और ठंड है। उम्मीद नहीं थी इतनी ठंड हो गई और हम लोग हीरो बन के निकल गए। मलिहा तो जैकेट पहन गई हैं बट हम नहीं पहने। तो चलते हैं। यहाँ देखिए आप लोग पार्किंग वार्किंग के इंतज़ार में हैं। हर तरफ से लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। लाइक ऑल रोड लीड्स टू ईदगाह। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये है कन्वेंशन सेंटर। हर मस्जिद की तरह यहाँ भी मुझे तैनात है। ज़रूरी नहीं है। कितने ज़्यादा लोग हैं। एक और फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जाना है हमें। थर्ड फ्लोर पे ओ भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़। लोग आते ही जा रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बट आगे बहुत भीड़ है और जैसे हर मस्जिद में होती है, इस तरफ मर्द हैं और उस तरफ दूर में औरतें हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं। हॉल के एकदम पीछे में यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क, डोनेशन डेस्क टाइप की चीज़ लगी हुई है जहाँ से आप मैगजीन्स भी मिल रही है यहाँ की, मैनिटोबा मुस्लिम्स की, तो ये भी है। तो भीड़ पूरी आ चुकी है। आखिरी लाइन तक, आखिरी सब तक लोग लग चुके हैं। और लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट, ये जो इंसान है यहाँ के अपोजिशन के लीडर है, मतलब बिहार का तेजस्वी यादव, रैप के न्यू दिस मैन। हॉल फुल हो गई है और लोग अभी आ ही जा रहे हैं। अब ज़रा भी जगह नहीं है सब बनाने के लिए। पता नहीं लोग कैसे हटेंगे। और यहाँ मिल गए मुझे मेरे पुराने दो साथी उस्मान भाई। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आप कैसे हैं? अपने बारे में ज़रा बताएं। क्या बताएं भाई, कहाँ से हैं, क्या है? जहाँ से हैं लोग पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा चलें बता देते हैं, अफगानिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। चलें बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, जो है अफगानिस्तान से हैं हमारे। मतलब मैं जब नोएडा पहली दफ़ा आया था तो बहुत कम लोगों को जानता था। उसमें पहले चंद पाँचवें लोगों में से आप हो, इनके साथ क्रिकेट खेलने आता था, रोज़ मुझे पिक करते थे घर से, रोज़ मुझे घर तक ड्रॉप करते थे। अभी भी करते हैं? क्रिकेट खेल रहे हो तो मैं अब नहीं खेल रहा हूँ। हमें यहाँ मिल गए हम लोग साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। जब तक ईद की नमाज हो रही है तब तक आप पिछले दिन की वीडियो देख के आइए। चलिए तो सीन ये है कि कल है ईद और आज हम लोग वापस से जा रहे हैं MIA का ग्रैंड मॉस्क।
रीज़न बीइंग के काहे के वहाँ है आज ईद बाज़ार, तो चल के देखना है कि क्या क्या है ईद बाज़ार में, क्या क्या मिल रहा है, तो आउटिंग भी हो जाएगी हमारी और ईद बाज़ार भी देख लेंगे। तो वहीं जा रहे हैं वापस से, MIA आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होने वाला है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मस्जिद, भीड़ छट चुकी है क्योंकि अब बस आधे घंटे बचे हैं। क्या उतना छोटा मलिहा को अपने पसंद की चीज़ शायद दिख गई है, इंडियन पाकिस्तानी सूट्स, तो वही देख रहे हैं। एक और सूट क्या स्टॉल जा रहा है, like how did you start this? So I'm an international student. I'm in my third year. I'm about to graduate soon. So hum log bas aise explore kar rahe the business options. So I do cook on the side as well. I do have a cooking page as well. It's called The Wannabe Chef. Okay. And then my name is Myra. Yeah. So matlab I did that just as a student last summer, और अब जो है इस समर में we just wanted to do something new, ठीक है, हमें पता है कि पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलते हैं यहाँ पे और हम खुद इतने टाइम से नहीं गए हुए थे, and we're like यार हमें कपड़े चाहिए, तो that's how, so that's why हम लोगों ने क्या किया कि हमने few selected pieces लिए थे और हमने एक पूरा मतलब brand का catalog लिया था, and then that's how we started it. Inshallah, now we're gonna expand it to like menswear, kidswear, क्योंकि हमारे पास बहुत requests आ रही है. हमारे पास actually menswear थे, but हमारे पास सिर्फ चार बचे हैं. You have such nice collection also. So hopefully, inshallah, we're gonna expand for the next Eve and the upcoming events as well. How to be a part of? Yeah, how did you? So if you are becoming a part of this thing, आपको MIA के page पे, there's an Instagram page and a Facebook page. They actually before any event they have a calendar page as well. तो वो post करते हैं कि जैसे कि आपको अगर sign up करना है तो कैसे करना है, and then you fill a form and then you wait for their approval. Once you're approved, you pay them like whatever price they have for your table and a deposit for that. Once you're done with that, then आप confirm हो जाते हैं, फिर आपको time और slot पता होता है event का और आप अपने हिसाब से आ सकते हो. You can come in like an hour early. वो आपको बता देते हैं कि आप इस टाइम तक आ सकते हैं, एंड देन इफ यू वांट यू कैन इवन लीव अर्लियर. जैसे वो लगा रही हूँ सच में खुद लगा. यहाँ पे ना लगता है मेहंदी लगाया जा रहा है, तो मेहंदी भी लग रही है ना. लगवा दूँ क्या? हाँ लगवानी है, कुछ तो देखो. यू वांट टोपी? जालीदार टोपी भी मिल रही है, कुर्ता भी मिल रहा है. ये ले लीजिए आप कल पहनने के लिए. तो जो बात समझ में आई वो इस ईद बाज़ार के बारे में वो ये थी कि MIA सपोर्ट कर रही है छोटे छोटे बिजनेसेस को और कम्युनिटी को. तो जो पूरा कंसेप्ट मुझे समझ में आया वो यही था कि एक बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी वाला कंसेप्ट है पूरा, कि हम जैसे लोग जो अपने देश से दूर रहते हैं, अपने कल्चर से दूर रहते हैं, चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हम तक यहाँ, तो वैसे लोगों को चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ, छोटे बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश करें, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बिजनेसेस हैं वो फ्लोरिश करें, उस वजह से ही है. एनीवे चलते हैं ईद वाले दिन वापस से और देखते हैं क्या है आगे का कार्यक्रम. पहली नमाज में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक और नमाज के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं. इफ यू सी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं नमाज के लिए. ओ भाई साहब, मैंने इतनी भीड़ आज तक विनिपेग में नहीं देखी है. इतने ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने आए हैं, इतने ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने आए हैं. और हम लोग वापस से मिल गए हैं, हमारी ईद की नमाज हो गई है और अब हम लोग वापस बाहर घर की तरफ जा रहे हैं. ये है कन्वेंशन सेंटर और वॉक करते हैं हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और वो रहा हमारा घर. ये व्लॉग ज़रा लंबा होने वाला है तो बने रहिएगा, और बने रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी ईद कैसी रही, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बिहाइंड द सीन मिलता रहता है. क्या मलिहा कह रही? प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट.
है ना, चला जाए। मलीहा की जिंदगी की पहली ईद की नमाज थी, तो पहली दफा ईद की नमाज पढ़ी है तुम्हें, है ना? फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी विदेश में आके, विनिपेग में आके? बहुत ही अच्छा रहा है, मीन आई रियली लाइक इट। सबसे अच्छा मुझे लगा ये कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग थे एंड दे वर वेयरिंग देयर कल्चर विद सो मच कॉन्फिडेंस एंड प्राइड कि मुझे अच्छा लग रहा था देख के। आई डोंट नो वेदर दे वर नाइजीरियंस और क्या थे वो लोग, हाँ मतलब बट वो लोग हाँ दे वर ऑल सो ड्रेस्ड अप एकदम एक जैसा, बहुत अच्छा लग रहा था। ईद का नाश्ता भी तैयार है। क्या क्या बनाया मलिया? मैंने बनाया कढ़ाई पनीर, आलू दम, मामी सेवई एंड ये बताना जरूरी नहीं था कि आपने बनाया है, ठीक है? मैंने ही बनाया है इसलिए जरूरी था। पूरी मैंने छाना है, पनीर मैंने धोया है वही कर सकते हैं, आलू मैंने छीला है। तो सुबह जो नाश्ता वाला सीन देखा था आपने, उसके बाद दरअसल हम लोग तीन चार जगह इनवाइटेड थे खाने के लिए, दिन में दो जगह, शाम में एक जगह, तो वहाँ चले गए और वो पर्सनल स्पेसेस थी, तो वहाँ का हमने वीडियो जरा भी नहीं बनाया। काफी काफी ज्यादा अच्छा हमारा ईद रहा है कि नहीं मलिया? कैसा रहा तुम्हारा ईद? पहला बहुत अच्छी रही हमारी ईद। अच्छा हाँ, अच्छा नहीं रहा, अच्छी रही ईद हमारी। हमारे साथ प्रॉब्लम है, हमारा जो ग्रामर है ना, ग्रामर क्या कहते हैं हिंदी में? व्याकरण। उर्दू में क्या कहते हैं? फेल। फेल, फेल में हम फेल कर यार, आई थिंक शायद आप फेल। तो जो भी है, तो काफी अच्छी रही ईद हमारी। तीन चार जगह दावत पे गए, काफी कुछ खाया, काफी लोगों से इंटरेक्ट किए, मलिहा को बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझे भी मौका मिला, काफी अच्छा रहा ईद। उम्मीद है कि आप लोगों की भी ईद अच्छी रही होगी। कैसी रही ईद हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। बाकी जो है सो है ये है, बाकी जो जानते ही हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब जलूल से जलूल करें वीडियो को, नहीं चैनल को, ठीक है? टाटा।